नागपुर का हॉटस्पॉट बना सतरंजीपुरा एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले मोमिनपुरा के डोबीनगर में रहने वाले संदिग्धों की पुष्टि होते ही मनपा के 60 स्क्वाड और पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों पर क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया। इस मौके पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त था। अब तक के डोबीनगर से 76 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। देश विदेश से नागपुर में आया कोरोना महामारी ने अब तक 2 कोरोना मरीजों को मौत की नींद सुला दी है। नागपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नागपुर में ये न्यूज बताते समय का आंकड़ा 150 पॉजिटिव मरीजों का है। क्वारंटाइन कक्ष में संदिग्धों का आंकड़ा 1841 है, जिसमें से 1463 डिस्चार्ज किए गए संदिग्ध मरीज है। नागपुर का हॉटस्पॉट बना सतरंजीपुरा में कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले मोमिनपुरा के डोबीनगर के कुछ दर्जनों लोगों की मनपा ने पुष्टि करते ही डोबीनगर के दर्जनों संदिग्धों की क्वारंटाइन करने के लिए शहर की 7 लालपरी नाम से जाने वाली सिटी बस मोमिनपुरा के मुख्य द्वार के समीप पहुंची। दर्शकों, इस समय में इनविजन की टीम मोमिनपुरा के उस गेट पे है जहाँ पे 7 गाड़ियाँ लालपरी ये पूरी तरह से उन लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए लेके जाने के लिए यहाँ पे खड़ी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कि आप यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस प्रकार के 7 गाड़ियाँ। मैं थोड़ा प्लान करके बताइए सुभाष साहब कि देखिए किस तरह से यहाँ पर लालपरी 7 ऐसी बसें यहाँ पर आ चुकी है। थोड़ी देर में यहाँ से मोमिनपुरा और डोबीनगर के जो कोरोना के जो संदिग्ध ऐसे लोगों को यहाँ पे लेके जाने वाली, ये तमाम ड्राइवर लोग हैं जो निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका ये मानना है कि बस आने से पहले इसे सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद में जैसे मरीजों को छोड़ा जाता है उसके बाद भी सैनिटाइज किया जाता है। आज अभी इस समय में कुल 7 बसें आई हुई है। एक बस में 15 लोग बैठ सकते हैं क्योंकि कोरोना के लिए एक एक आदमी सिंगल सिंगल ऐसा बैठने की इन्हें अनुमति दी गई है और 3 बस आना बाकी है। यानी कुल मिला के आज मोमिनपुरा डोबीनगर के जो संदिग्ध मरीजों को लेके जाने के लिए कुल 10 बसें यहाँ पे आ चुकी है और थोड़ी देर में यहाँ पे लोगों को लेके जाने वाली है। डोबीनगर में राज्य राखी दल वर्षा, गढ़चिरौली तहसील पुलिस, गोंदिया SRP, नागपुर रेलवे GRP ऐसे कुल 350 पुलिस तैनात थे। तो वहीं मनपा के 60 स्क्वाड भी कार्यवाही करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखे। डोबीनगर में कुछ समय के लिए कर्मचारी और नागरिकों में तू-तू मैं दिखाई दी, जिससे तनाव बढ़ सकता था, लेकिन भारी भरकम पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहने के कारण सुचारू ढंग से लोगों ने सहयोग किया। डोबीनगर का ये एरिया पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र होने का नाम देते हुए तहसील पुलिस के PI जयेश भंडारकर, इन्होंने मीडिया को यहाँ के विजुअल और तमाम जानकारी लेने के लिए साफ मना कर दी है। लेकिन हम आपको बता दें कि मनपा की टीम पूरी तरह से अंदर है और लोगों को कब क्वारंटाइन करके लाती है ये अब देखना बाकी है। घनी बस्ती के कारण लॉकडाउन का उल्लंघन दिखाई दिया, एक के पीछे एक बस खड़ी होते हुए दिखाई दिए। तो वहीं बस ड्राइवर को मनपा की ओर से सुरक्षा की कोई भी वस्तुएं नहीं दी गई, जैसे कि सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स आदि। खुले हाथों से ड्राइवर संदिग्ध मरीजों को ले जा रहे थे। दर्शकों, इस समय भी इनविजन किट भी डोबीनगर में आप देख सकते हैं कि ये वही सड़क है जो डोबीनगर की ओर जाती है, जहां पे परिसर के कई लोग ऐसे मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी उन लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए अंदर जा चुकी है। थोड़ी देर में वे लोग आएंगे और उन्हें यहाँ पे कुछ ऐसी बसेस लगी हुई, उस बस में उन लोगों को बिठाएगा। थोड़ा सा आप पैन करके बताइए किस तरह से पुलिस का चाक चौबन यहाँ पे पूरा बंदोबस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चाहे SRP से लेके GRP की पुलिस है और शहर की भी पुलिस है। ठीक उसी के साथ साथ नागपुर महानगर पालिका के मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे की पहल पे 60 लोगों का एक स्क्वाड भी बनाया गया है, जिसके चलते दिन रात वे लोग भी काम कर रहे हैं। मैं उन्हें वॉरियर्स के नाम से भी कहूँगा कि वे सब अपनी जान की बाजी लगाते हुए ये कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में मनपा प्रशासन ने हाल ही में 2 दिन पहले में इसी एरिया से कुछ लोगों को संदिग्ध के तौर पर लेके गए थे, लेकिन अब तक उनकी रिपोर्ट आई हुई नहीं है। ऐसे में भी
कुछ और लोग होने की संदिग्ध की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते अब मनपा के पूरे कर्मी अंदर जा चुके हैं। देखना अभी होगा कि कितने देर में वे लोग आकर क्वारंटाइन लोगों को करके बाहर लाते हैं। हम आपको पल पल की जानकारी देंगे, आप बने रहे हमारे इन विशेष न्यूज के साथ।